2014 में हम लोगों की भूल थी कमल की फूल, देश की भूल कमल का फूल। आप लोगों को याद होगा अच्छे तरीके से 2014 के पहले जो सिलेंडर 400 रुपए का आप सबको महंगा हो गया के नाम पर स्मृति ईरानी सिलेंडर को सर पे लिए ठुमके मारते घूमती थी। आज वो स्मृति ईरानी 1100 रुपए का सिलेंडर होने के बाद भी आप लोगों की पहुंच से दूर है, आप लोगों की आवाज भी नहीं उठा रही है। इस देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ा है। मणिपुर में हमारी माता बहनों को नग्न करके परेड निकाला जाता है। दलित आदिवासी और पीड़ित समाज को कुचलने का काम इस केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है। महिलाएं चरम पर है, हमारे घर का बेटा हमारी बेटी पढ़ लिख के बेरोजगार घर पर बैठे हैं। इस देश में बेरोजगारी इतिहास के चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। अन्नधान महंगा हुआ है, डीजल पेट्रोल महंगा है, लेकिन हम लोगों को भारत और इंडिया के नाम पर लड़ाया जाएगा दोस्तों, ये याद रखना है। वो नरेंद्र मोदी जो गंगा जमुनी तहजीब के नाम पे चुन के आया, महात्मा फुले और अम्बेडकर साहब के प्रण लेकर चुन के आया, उस पर हमारे देश को धर्म जाति पाति के नाम पर लड़ाने का काम किया। और इस सभी संदेश को लेकर देश के नेता राहुल गांधी जी के संदेश को लेकर जन संवाद यात्रा के माध्यम से हम आपके बीच में पहुंचे हैं। और इसी बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आदरणीय अमर वराड़े जी राहुल जी का संदेश लेकर ग्राम सावरी के हल्दी टोला में यहाँ पर आए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा श्री अमर वराड़े जी, आप यहाँ पर आए और इन ग्रामवासियों को संबोधित करें। टेक्शन साहब सीआरएच की आपदा पे अभी यहाँ पर बोलना पड़ रहा है मुझे। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित जनसंवाद यात्रा गोंदिया में तालुका कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में संपूर्ण तालुका में भ्रमण कर रही है। इस यात्रा में प्रमुख रूप से उपस्थित सभी तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता और हल्बी दरिया के ग्रामवासी, हमारी माताएं बहनें युवा साथियों, जनसंवाद यात्रा के माध्यम से अभी जैसा कि हमारे आलोक भाई ने कहा, माता जी से पूछा, बहन जी से पूछा, क्यों बहन जी 1100 का सिलेंडर आपको पसंद आ रहा है क्या, उसका रेट अच्छा लग रहा है क्या। ये जो तकलीफ हमारे माता बहनों को, युवा साथियों को हो रही है, किसानों को हो रही है, किसानों को आपने देखा होगा सीएच जी की सल्फेट का रेट जो है वो रेट बढ़ा दिया उधर और 5 किलो उसका वेट कम कर दिया। कितना है अभी बोरी, कितने किलो की हो गई है, 45 किलो की, 5 किलो उसका लोगों को चूतिया मारने का काम देखो। लोगों को बता रहे कि हमने सल्फेट का रेट उतना नहीं बढ़ाया, लेकिन इधर 5 किलो आपके बोरी में से खाद निकाल लिया। दवाइयों के रेट देखो आप, लागवड़ के रेट देखो, परा लगाते उसके रेट कितने हो गए, अभी बनिया कितना रेट लेती है, आदमी कितना रेट लेता है, दवाई महंगी, खाद महंगा महंगा, बिजाई महंगी। और एक तरफ जब हमारा किसान उस उपज को निकाल कर जनता के लिए खोले गए सहकारी सेंटर जो है धान खरीदी केंद्र, वहां पर जब हम धान बेचते हैं, जो शासकीय धान खरीदी केंद्र होते हैं, आपने देखा होगा चूटिया में कितने लोगों के पैसे डूबे, चूटिया में कितने काश्तकारों के पैसे डूबे। कल अगर हमारा धान निकलेगा अभी खरीद का, तो किसान सोचेगा कि हमने धान कहाँ बेचना, यह परिस्थिति आ गई है। पेट्रोल का रेट महंगा हो गया, डीजल का रेट महंगा हो गया। हमारे यहाँ पे नौजवान साथी है, आज ये नौजवान साथी को पढ़ने के बाद में हाथ में उनको काम नहीं है, अगर उनको काम है तो उसके बदले में मुआवजा नहीं है, छात्रों को स्कॉलरशिप बंद हो गई है। आज हमारे बेरोजगार साथी दर दर रोजगार के लिए भटक रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कांग्रेस के शासन में जब कभी कभी किसी पे अन्याय होता था तो बड़े बड़े मोर्चे निकाले जाते थे, लेकिन कभी मोर्चे पर लाठीचार्ज करने का काम कांग्रेस के माध्यम से नहीं होता था। लेकिन आज इस भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार में आपने जरा सा भी मुंह खोला कि अपनी आपके आवाज दबाने का काम शासन के माध्यम से होता है। कल जांगला में देखो, वो मराठा समाज के लोग अपने न्याय हक के लिए, हमको ओबीसी में उनको उसका सहूलत मिलना चाहिए करके उन्होंने वहां पर उपोषण किया।
आमरण उपोषण एक आदमी ने किया, उस आमरण उपोषण में जालना के तमाम मराठा और बाकी संगठनों के लोगों ने साथ दिया, लेकिन बर्बरता का हद देखो, पुलिस ने वहां पे लाठीचार्ज की, अश्रु दूर के गैस फोड़े और वहां से लोगों को हकालने का काम किया। आज क्या हुआ, उनको लगा ये आवाज दबाने से लोग भाग जाएंगे, ये उपोषण खत्म हो जाएगा। लेकिन आप टीवी में देख रहे होंगे, मराठी न्यूज चैनल में अभी सिर्फ जालना कांड दिखा रहा है ना मराठाओं का आंदोलन। क्यों? कि जैसे ही पुलिसों ने लाठीचार्ज किया, अश्रु दूर के गैस फोड़े, वैसे ही वो आंदोलन और तीव्र हो गया, और जहाँ पे 1500 मराठा लोग बैठे थे, वहां पे अभी 25-50 हजार लोग मराठा लोग वहां बैठे हुए, कि हम तो यहाँ से अपनी आवाज बुलंद करके ही उठेंगे। परिणाम क्या हुआ, सरकार झुक गई और सरकार के मंत्री लोग रोज दिन में 3 बार 2 अलग अलग मंत्री आके एक आदमी से बात करते, भैया आप कब उठोगे, कैसे उठोगे। उन्होंने कहा जीआर निकालो, उन्होंने जीआर निकाला, उसने जीआर में दे दिया कि ठीक है हम आपको आरक्षण देंगे। उसने कहा नहीं, निजाम कालीन जो शब्द हैदराबाद का वो हटाओ। वो हटाने के लिए अभी परसों के रोज औरंगाबाद में कैबिनेट बैठक हो रही है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हमको भी कल्चर के रास्ते पे आके अपने सिलेंडर के बढ़ते हुए महंगाई को लेके, डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए भाव को लेके, किसानों के न्याय हकों को लेके रास्ते पे आने की बात अगर करना पड़ेगा तो निश्चित रूप से हम करेंगे। और यह विश्वास दिलाने के लिए, आपके साथ में संवाद करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि कांग्रेस के साथी आपके पास साथ में जो भी अभी इसके बाद में अन्याय होगा, उस अन्याय की आवाज उठाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ में संवाद साधने के लिए तैयार है। यही विश्वास दिलाने के लिए हम आपके गांव में आए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि चुनाव की जगह चुनाव, राजकारण की जगह राजकारण, लेकिन जहाँ पे अन्याय होता है वहाँ कांग्रेस साथ में खड़ी होती है। यही विश्वास दिलाते हुए मैं आपके 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।